दोनों पाँव में कंधे बराबर दूरी, दोनों हाथ कमर के पास, पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाइए, पूरे शरीर को शिथिल करते जाइए, रिलैक्स करते जाइए, पूरा शरीर रिलैक्स शिथिल हो रहा है महसूस करते जाइए, पूरे शरीर को शिथिल छोड़िए, दोनों पाँव में कंधे बराबर दूरी, दोनों हाथ कमर के पास, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो रहा है महसूस करते जाइए, मन शरीर को बिल्कुल विचार शून्य करिए, बिल्कुल विचार शून्य करिए, पूरा शरीर शिथिल रिलैक्स होता जा रहा है, मन शरीर हमारा धीरे धीरे योगाभ्यास के लिए तैयार हो गया है। अब यहीं पर दोनों पांव पास पास करिए, दोनों हाथ भी गोल घुमाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाइए, अपने हृदय में अपने परम पिता परमेश्वर की छवि को दृश्य करिए, उनके चरणों में तीन बार लंबी गहरी श्वास भर के उमना करेंगे, श्वास लीजिए, फिर श्वास भरिए, ओम ना करें एक बार, ओ लंबी गहरी श्वास, ओ मस्तक को प्रभु के चरणों में झुकाइए, मस्तक सीधा, दोनों हाथों को धीरे धीरे कमर के पास लाइए, दोनों पांव में कंधे बराबर दूरी, खड़े होकर हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे पांच बार, इसमें दोनों नासिका से श्वास भरना है धीरे धीरे, अंतिम सिरे तक जाना है, फिर धीरे धीरे एक्सहेल करना है, चलिए करेंगे मेरे साथ, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों नासिका से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करिए, लंबी गहरी श्वास लेते जाइए, अपने मन की आंखों से देखिए, फेफड़े हमारे ऑक्सीजन से धीरे धीरे भरते जा रहे हैं, और श्वास भरते जाइए, लंबी गहरी श्वास, अंतिम सिरे तक जाके रुकिए, फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते जाइए, एक्सहेल में ऑब्जर्व करिए, डायाफ्राम नीचे जा रहा है, पेट अंदर की ओर दब रहा है, पूरी प्रश्वास करिए, लंबी गहरी श्वास भरना है और पूरा लंबा करा प्रश्वास, फिर दूसरा राउंड, दोनों नासिका से फिर श्वास भरना प्रारंभ करिए, और श्वास भरते जाइए लंबी गहरी, वेरी गुड, अब की बार पहले से हमने ज्यादा श्वास भरी है और लंबी गहरी श्वास भरी है, दीर्घ श्वसन से हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, ऑब्जर्व करिए ऑक्सीजन का महत्व हमें मिला है, इसलिए इस दीर्घ श्वसन से अपने लंग्स कैपेसिटी को मैक्सिमम बढ़ाते जाइए, फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते जाइए, अब तीसरे राउंड में सांसों को और अंदर रोकेंगे हम, दीर्घ वहां पर रोकेंगे अंतर कुंभक में, तीसरे राउंड में और श्वास भरते जाइए, लीजिए लंबी गहरी श्वास, और श्वास लंबी गहरी श्वास भर के रोकिए, अंतर कुंभक में रुकने का प्रयास करिए, रुकिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते जाइए, पूरी प्रश्वास करिए, पूरा प्रश्वास करते जाइए, अगले राउंड में योगिक श्वसन जोड़ेंगे, इसमें सीने को विस्तारित करेंगे, दोनों नासिका से श्वास भरते जाइए, अब यहाँ पे सीने को विस्तारित करिए, देखिए डायफ्राम को जगह मिली है, और निरंतर श्वास भरिए, अब कंधे ऊपर कर लीजिए हल्के से, और डायफ्राम को जगह मिली है, और श्वास भरिए, मैक्सिमम हमारे लंग्स कैपेसिटी बढ़ी, ऑब्जर्व करिए, कंधे ऊपर है, सीना विस्तारित है, हमारे लंग्स कैपेसिटी पहले से ज्यादा बड़ी है, रुकने का प्रयास ना रुकते बने, कंधे नीचे, एक्सहेल, सीना शिथिल, एक्सहेल, पेट अंदर की ओर दबाइए, पूरी प्रश्वास, नेसल पॉइंट ऊपर खींच के रखिए, मूल बांध, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए कस के, पूरी एक्सहेल करिए, ऑब्जर्व करिए, खिंचाव तनाव पे ध्यान दीजिए, रुकिए भाई कुंभक में, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए, गुदद्वार शिथिल आने दें सांसों को, पेट शिथिल आने दे सांसों को, करिए सीने को विस्तारित और निरंतर श्वास भरते जाइए,
डायाफ्राम ऊपर जाएगा, कंधे ऊपर कर लीजिए हल्के से और श्वास भरिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। योगिक श्वसन के द्वारा हमने हमारे लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे कंधे नीचे एक्सहेल, सीना शिथिल एक्सहेल, पेट अंदर की ओर दबाइए। नेसल पॉइंट ऊपर खींच के रखिए, अपान वायु में बाहर करिए। अंतिम बार करेंगे, गुदा द्वार शिथिल आने दें सांसों को, पेट शिथिल आने दें सांसों को, करी सीने को विस्तारित। बहुत बढ़िया, कंधे ऊपर की ओर कर लीजिए। रुके रहिए आप, अंतिम बार कर रहे हैं, मैक्सिमम रुकने का प्रयास करिए। फेफड़ों को और ऑक्सीजन से भरिए मैक्सिमम। अब धीरे धीरे कंधे नीचे रिलैक्स, सीना शिथिल रिलैक्स, पेट अंदर की ओर दबाइए। नेसल पॉइंट ऊपर खींच के रखिए, मूंद बंद लगाइए, गुदा द्वार शिथिल, पेट शिथिल, सामान्य श्वास प्रश्वास। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़िए, ऑब्जर्व करिए 5-10 सेकंड के विश्राम में। अभी हमने जो क्रिया करी दीर्घ श्वसन और यौगिक श्वसन, उससे हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ी है। ऑब्जर्व कीजिए, अगली क्रियाओं के लिए उनको तैयार करिए। प्राणिक क्रिया करेंगे, हर क्रिया 20-20 टाइम का करने की कोशिश करेंगे। सभी प्राणिक क्रियाओं में नासिका से श्वास भरना है और नासिका से प्रश्वास। नंबर एक प्राणिक क्रिया में देखिए, आप बॉडी बिल्कुल सीध रही, केवल हाथों का संचालन, दोनों हाथों को श्वास भर दो, उठाना है मैक्सिमम, पूरा सांसों को भरना है और ऊपर से लागे पूरा एक्सहेल, ऐसा रिदम बनाना है पूरा, श्वास भरी। चलिए 20 टाइम मन को तैयार करिए, दोनों हाथ सामने को स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, very good, 5, very good. करते रहिए, रिदम बनाइए, फिर थोड़ा फास्ट रिदम बनाइए। 6, 7, 8, करते रहिए, बॉडी सीधी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया, रिलैक्स रिलैक्स। इस प्राणी क्रिया में हमने जब दोनों हाथ ऊपर लगे, पूरी श्वास भरी, तब दोनों हाथ नीचे आए तो पूरा एक्सहेल करा। अगली प्राणी क्रिया में अब हमें थोड़ा आगे की ओर झुकना है, दोनों पांव में हल्का सा डिफरेंस कर लीजिए। अब दोनों हाथों को दोनों पांव के नीचे से निकालना, बीच में से निकालना, पूरा एक्सहेल करते हुए श्वास भरना है और एक्सहेल करते झुकना है। देखिए जल्द नहीं आए, बिल्कुल आराम आराम करेगा, झटका नहीं लगे कमर में। लेके जाइए दोनों हाथ ऊपर और ऊपर से आइए नीचे, पूरा हाथों को लेके दोनों पांव को बिल्कुल पीछे निकाले। फिर थ्री, फोर, बहुत बढ़िया, फाइव, करते जाइए, सिक्स, सेवन, बहुत बढ़िया, एट। कोशिश करिए कि घुटने नहीं मुड़े, जिसके घुटने मुड़ रहे हैं वो ऑब्जर्व करिए, घुटने नहीं मुड़ना चाहिए। 9, 10, करते जाइए, 11, बहुत बढ़िया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20। धीरे धीरे वापस, रिलैक्स रिलैक्स। एक नंबर का हमने जो सेकंड वेरिएशन करा उसे ऑब्जर्व करिए, फिर 5-10 सेकंड का विश्राम। अगली प्राणी क्रिया के लिए मन को तैयार करिए, पहले देख लीजिए दोनों पांव पास पास करना है। अब दोनों हाथों को पूरा गोल घुमाते हुए लेके जाना है, दोनों हथेली को आपस में से विपरीत करना है, दोनों हथेली से विपरीत आ जाएगी ऊपर की ओर। फिर एक बार जब नीचे आएंगे तो दाहिना हाथ ऊपर आएगा, पूरा डायफ्राम से दबाना है गर्दन में नीचे, फिर बाएं हाथ एक बार ऊपर, ऐसा रिदम बनेगा। इसमें भी इनहेल एक्सहेल करना है। चलिए दोनों पांव पास पास, दोनों हाथों को श्वास भरते लेके जाइए ऊपर, दोनों हथेली के विपरीत मिलाइए, स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, बहुत बढ़िया, 4, 5, वेरी गुड, जर्क नहीं आए, 6, 7,
8 9 करते जाइए 10 11 12 बहुत बढ़िया 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को लेके आइए, दोनों पाँव में कंधे बराबर दूरी, दोनों हाथ कमर के पास। फिर 5 to 10 सेकंड का विश्राम, और इस विश्राम में महसूस करिए शरीर में जो हलचल हुई है। हमने दोनों हाथों को ऊपर लेके श्वास भरते हुए जब दोनों हाथों को पूरा सा दबाया तो हमारा डायफ्राम पूरा दबा, गर्दन दबी। पूरा ऑब्जर्व करिए क्रियाओं को। अगली प्राणी क्रिया हृदय के लिए बहुत अद्भुत कार्य है। इस क्रिया को डेली रूटीन में लाइए। हृदय के आसपास जितनी मांसपेशियों में पूरे खिंचाव तनाव होता है, इस क्रिया के हृदय के आसपास जितने भी हमारे ब्लड सर्कुलर रहता है वो पूरा सामान्य होता है इस क्रिया को डेली करने से कम करिएगा कोशिश 20 टाइम। एक बार देखिए, दोनों हाथों को सामने रखना है, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को मैक्सिमम फैलाना है और गर्दन भी पीछे करना है, पूरा सीना विस्तारित करना है। जब फिर आगे आएंगे तो एक बार एक दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, ऐसा पूरा दबाना डायफ्राम को गर्दन में नीचे, फिर एक बार फिर सीना विस्तारित, फिर बाया हाथ ऊपर, ऐसे रिदम बनेगा। इनहेल एक्सहेल, ठीक है 29। चलिए स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, बॉडी को आगे ज्यादा झुक नहीं देना, बॉडी को कोशिश करिए सीधे रखना, बिल्कुल सीधे रहना, केवल गर्दन का संचालन, बॉडी आगे झुकाना नहीं है। चलिए स्टार्ट करें 29। दोनों हाथ सामने, 1 2 वेरी गुड, 3 करते जाइए, 4 गर्दन भी आगे पीछे करिए, 5 6 बहुत बढ़िया, एक बार दाहिना हाथ ऊपर एक बार हाथ करते जाइए, 8 मैक्सिमम सीने को विस्तारित, 9 10 11 करते जाइए, 12 बहुत बढ़िया, 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, धीरे धीरे वापस रिलैक्स करिए। ये वाली प्राणी क्रिया ऑब्जर्व करिए, बहुत अच्छी क्रिया है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चौथी प्राणी क्रिया को भी देख लीजिए, क्या करना है, हाथ को ऊपर से लेके आना है और कोहनी और घुटने को आपस में क्रॉस करना है। अगर क्रॉस हो तो अच्छी बात है, पहली स्थिति में कोहनी घुटना टच करना है, इतना टच करना डायफ्राम दबेगा, और ऊपर से लाके पूरा इसे दबाएंगे तो एक्सहेल करना है। देखिए पूरा एक्सहेल, ठीक है 29। चलिए उठाइए दाहिना हाथ ऊपर, स्टार्ट करिए, 1 2 आराम आराम, 3 4 बहुत बढ़िया, 5 6 गोयल मैम हाथ को ऊपर से लाओ, ऊपर से लाओ हाथ को, ऊपर से लाओ, 7 8 9 10 11 वेरी गुड, 12 13 14 15 16 17 18 इसमें हमारा डायफ्राम और पेट राइट और लेफ्ट तरफ पिंच होता है, रिलैक्स करिए। अगली प्राणी क्रिया चौथी प्राणी क्रिया का वेरिएशन है, इसमें दोनों हाथों कैसे कैची बनाइए, कैची, और फिर उसको रखिए सीधे पीछे। आपकी बार फिर वही करना है कि कोहनी से घुटना टच करना है, पूरा एक्सेल करते हो, पूरा दबाना है इसे, पूरा एक्सेल, राइट कोहनी और लेफ्ट घुटना इसे। चलिए स्टार्ट करें 29। 1 एक्सेल की आवाज आना चाहिए सभी की, 2 करते जाइए, वेरी गुड, 3 करिए क्रॉस में, हाँ ऐसे करिए, 4 वेरी गुड, 5 करिए, 6 क्रॉस में, क्रॉस में, क्रॉस में, उनको बोलो क्रॉस में, भाभी जी को बोलिए क्रॉस करेंगे, 7 वेरी गुड, 8 9 करते जाइए, 10 11 12 13 वेल मैम टच करो कोनी, 14 बहुत बढ़िया, 15 16 17
18, 19, 20, रिलैक्स रिलैक्स रानी जी, कोशिश करिए कि कोहनी घुटना टच हो, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। ऑब्जर्व करिए, हमें हर क्रिया में आगे जाना है। जिसकी कोहनी घुटने नहीं रह रहा है वो कोशिश करिए कोहनी घुटने टच हो, जिसके कोहनी घुटने टच हो रहे वो पॉज करने की कोशिश करिए। रिलैक्स पूरा शरीर रिलैक्स। एक एक प्राणी क्रिया बहुत अद्भुतकारी है, ऑब्जर्व करिए। अगली प्राणी क्रिया के लिए मन को तैयार करिए। दोनों हाथ की कंधों पर गर्दन के पास रखिए, श्वास भरते हाथों को पूरा उठाना, पूरा मैक्सिमम उठाना ऊपर, पूरा ऐसे हाथों को फैलाना है, श्वास भरना है। जब नीचे आएंगे तो पूरा वी बनाना है, ऐसे वी बनाना है सीने पे, पूरा श्वास भरी ऊपर नीचे एक्सहेल सीने पे लेके आना है, ठीक है। चलिए 29, दोनों हाथ ऊपर करिए श्वास भरते हुए, एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, very good, 6, 7, पूरा भी बनाइए, 8, 9, हाथों को पूरा बनाइए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसका वेरिएशन करेंगे, अब हाथ ऊपर जाएंगे तो पांव के पंजों पर आना, जब हाथ ऊपर जाएंगे पूरे तो पांव के पंजों पर, जब हाथ को पूरा नीचे लाना, पूरा नीचे, पूरा नीचे पेलों तक, पूरा नीचे एक्सेल करना, कैसे रिदम बनेगा, भरी पंजों पर एक्सेल। चलिए 20 टाइम स्टार्ट, ऊपर हाथ को पांव के पंजों पर स्टार्ट, 1, नीचे पूरा, 2, 3, 4, very good, 5, पूरा हाथ लगे नीचे, 6, very good, 7, 8, 9, वही नहीं लग जाए, 10, 11, 12, 13, 14, बहुत बढ़िया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
हमारा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त हुआ है। मन शरीर को रिलैक्स करते जाइए। कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करेंगे आज हम। दोनों पांव पास पास करते हुए दोनों पांव में से दफा फास्ट करें, जंपिंग करते हुए से दफा फास्ट। दोनों हाथ की घुटनों पर, दोनों हाथों को लेके जाइए घुटनों पर और धीरे धीरे दोनों घुटनों को पीछे दिखाइए। पहले बेटे बनाइए, पूरी झुकिए नीचे। वेरी गुड। अब दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पीछे के लिए अपर बॉडी को धीरे धीरे सीधा करते जाइए। वेरी गुड। अब दोनों हाथों की पोजीशन प्रॉपर बनाइए। बंपिंग करना है ऊपर से नीचे, गर्दन बॉडी सीधी, बुला लीजिए गर्दन बॉडी सीधी करिए। हाँ, अब झुकिए नीचे, पूरा नहीं उठना है नीचे। बंपिंग टू, नीचे की ओर मैक्सिमम झुकिए, जला जोर पर पूरा खिंचाव बना। फोर, करते जाइए आराम आराम से। फाइव, वेरी गुड, पूरा खिंचाव बनाओ जला जोर पर। सिक्स, सेवन, वेरी गुड, एट, नाइन और टेन में जाके नीचे होल्ड करिए। मैक्सिमम रुकिए यहाँ पर, होल्ड करिए, रुकिए मैक्सिमम, झुकिए, राउंड झुको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। फिर शरीर सीधा, रिलैक्स रिलैक्स। एक बार फिर दोनों पांव की पोजीशन यही बना के रुकिए। अभी हमने जो बंपिंग करी उसके द्वारा जंगा जोड़ पर मैक्सिमम खिंचाव तनाव हो रहा है, वहां ध्यान लगाइए। अब एक एक एड़ी को हमें उठाना है दाहिनी, टेन टाइम, फिर लेफ्ट उठाना है और फिर दोनों एड़ी को उठाना है। मन जड़ता लाइए, फिर एक बार वापस दोनों पांव, दोनों पांव में सुधर का फासा, दोनों हाथ घुटनों पर झुकी नीचे मैक्सिमम, बॉडी को सीधा करिए, पूरा पोस्चर बनाइए। अब धीरे से दाहिने वाले पांव के पंजों के, दाहिने वाले पांव के एड़ी को उठाइए, होल्ड करिए,
विचार तनाव पे ध्यान दीजिए, फिर दाहिने वाले पांव की एड़ी जमीन पर, बाएं वाले पांव की एड़ी को करिए, वेरी गुड, इसको रिदम में बनाएंगे, आइए राइट, वेरी गुड, लेफ्ट झुके बुलाने जी नीचे, फिर राइट करते जाइए, लेफ्ट फिर राइट लेफ्ट, बहुत बढ़िया, राइट लेफ्ट, एक एक क्रिया को ऑब्जर्व करिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट फिर राइट और लेफ्ट, अब दोनों पांव को एक साथ उठाइए ऊपर, होल्ड करिए मैक्सिमम, दोनों पांव के पंजों, वेरी गुड, दोनों पांव की उठ गई, होल्ड करिए, रुकिए यहां पर, फिर वापस अगेन, बहुत बढ़िया, कोशिश करिए दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा बनाइए, फिर उठिए ऊपर, वेरी गुड, होल्ड करिए, रुकिए यहां पर, फिर वापस एक बार फिर उठिए, बहुत बढ़िया बनाया सबने पोस्चर, फिर वापस एक बार और, वेरी गुड, फिर वापस धीरे से वापस रिलैक्स करिए, मैक्सिमम खिंचाव बनाना पांव पर आ रहा है, फिर दोनों पांव रिलैक्स करिए, दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, स्ट्रेचिंग के द्वारा हमारे शरीर में जो खिंचाव तनाव हुआ है वहां पे ध्यान लगाइए, शरीर को रिलैक्स करिए, अगले योग अभ्यास के लिए मन को तैयार किए, अब देखिए अभी हमें क्या करना है, स्ट्रेचिंग में आगे बढ़ना है, अब दाहिने वाले पांव के पंजों को एक हाथ कमर पर, एक हाथ दाहिने वाले पांव के पंजों पर, और इसको मैक्सिमम इसे झुकाना है नीचे, पूरा 90 बनाना है वीरभद्रासन की पोजीशन में, फिर आना है लेफ्ट, पूरा इसे झुकाना है, दूसरा वाला पांव हमारा बिल्कुल पांव के पंजे जमीन पे आ जाएंगे, ठीक है, चलिए फिर दोनों पांव में 110 फीट का फासला, अब दाहिने वाले पांव को घुटनों से मोड़िए, एक हाथ कमर पर और एक हाथ हमारे घुटनों पर, झुकिए नीचे, वेरी गुड, मैक्सिमम वन और झुकिए, फिर आइए लेफ्ट, अब बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करिए, बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करिए, देखिए दोनों हाथ घुटनों पर रखिए मैक्सिमम, और दूसरे वाले पांव के घुटनों को जमीन पर रखिए, जमीन पर रखिए नीचे, अब ऐसे रिदम बनाएंगे आगे, वन झुकिए पूरा, टू जाइए, थ्री फोर वेरी गुड, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन में जाके आगे होल्ड करिए, और दोनों हाथों को कोने 80 डिग्री करते जाइए, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए, और गर्दन को ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथ कोने से सीधे हो जाएंगे, गर्दन को पीछे रखिए, होल्ड करिए, रुक रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड, पूरा पोस्चर बनाइए, फिर धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स, फिर वज्रासन में विश्राम, आसन के पीछे आके वज्रासन में विश्राम, वज्रासन में विश्राम करिए, अभी हम दाहिने वाले पांव को लेकर आगे, उसको टेक टाइम आगे पुश करा, दूसरे वाले पांव का घुटना जमीन पर था, अब हमें यही क्रिया बाएं वाले पांव से करना है, तो बाएं वाले पांव को एक बार फिर लेके आएंगे आगे, चलिए उठिए, बाएं वाले पांव की पोजीशन ऐसे बनाइए, दूसरे वाला घुटना जमीन पर, बाएं वाले दोनों के घुटनों पर, बाएं वाले पर ऐसे, तो पोजीशन बनाइए आगे की, झुकिए यहां पर, वन वेरी गुड, ऐसे टू थ्री फोर फाइव इस तरफ आ जाओ, इस तरफ सिक्स सेवन एट नाइन और टेन में लाके होल्ड करिए, दोनों हाथ को धीरे धीरे कोने से सीधा करते जाइए, गर्दन को और ऊपर कर खींच के रखिए, पूरा पोस्चर बनाइए, रुकिए यहाँ पर, बहुत बढ़िया बनाया पोस्चर, सभी रुक रहे हैं यहाँ पर, होल्ड करिए, रुकिए यहाँ पर, वेरी गुड, पूरा बनाइए, फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स करिए, वापस आइए, फिर वज्रासन में विश्राम करिए, रिलैक्स करिए वज्रासन में विश्राम, एक बार फिर खड़े हो जाइए, स्ट्रेचिंग देखिए, ये वाली थोड़े स्ट्रेचिंग में आगे जाएंगे, अब दोनों हाथों को ऐसे बांधना है और दाहिने वाले पांव के पंजों को पूरा ऐसे घुटनों से मोड़ना है, पूरा ऐसे मोड़ना है कि बाएं वाले पांव का पंजा पूरा ऐसे स्ट्रेट हमारे जमीन से लग जाए और दोनों हाथ हमारे सामने ऐसे,
कोशिश करना है पूरा पांव पंजे, देखिए एड़ी पांव के पंजे खींच कर रखना है चेहरे की तरफ, फिर आएंगे फिर दूसरी तरफ ऐसे रिदम बनाना है। कोशिश करिए हमारे झंडा जोड़ खोलना है हमें आने वाले टाइम में। आइए मध्य में पांव में 110 फीट का फासला, दोनों हाथ सामने से बनाइए, मुट्ठी बांधिए। अब जाइए अपने राइट तरफ, पूरा झुकिए नीचे, पूरा ग्रिप बनाइए, दाई तरफ पूरा बैठक बनाइए, होल्ड कर रुके यहाँ पर मैक्सिमम। खिंचाव दोनों पे ध्यान दीजिए, बायां पांव हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, एड़ी पंजे जमीन पर, रिदम बनाइए, फिर उठिए हल्के से, फिर आइए लेफ्ट, बहुत बढ़िया, आराम आराम से, हाँ पूरी बैठक बनाइए, फिर राइट, फिर लेफ्ट, करते जाइए, बहुत बढ़िया बनाया पोस्चर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, कोशिश करिए मैक्सिमम आने की, हाँ फिर राइट, फिर लेफ्ट, आराम से करना समय आराम से, हाँ फिर राइट। देखिए अगर दो जने अगर हमारे पास रहते हैं, जैसे जैसे प्रभा में और भाभी वहां पे हैं, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, दोनों बिल्कुल हाथ पकड़िए, एक जाएगा राइट एक जाएगा लेफ्ट, ऐसे ऐसे करने से भी क्रिया बहुत प्रॉपर होती है। फिर वापस उठेंगे, फिर वो बंदा जाएगा लेफ्ट और हम क्रॉस पे, ऐसे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी क्रॉस में कर सकते हैं, जैसे एक जाए राइट पूरी बैठक बनाइए, फिर लेफ्ट, एक दूसरे का सपोर्ट से पूरा प्रॉपर बनता है, ऐसा रिदम बना के भी हम कर सकते हैं, इससे दोनों लोगों की पूरे स्ट्रेचिंग खुलती है मैक्सिमम। बैठना पूरा है, हाँ पांव पंजे एड़ी जमीन पर, चलिए रिलैक्स रिलैक्स, एक तो रेगुलर आसन करते हैं, चलिए आइए ताड़ासन के लिए मन को तैयार करिए, दोनों पांव की एड़ी मिलाइए, दोनों हाथ कमर के पास, धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाइए साइड से, को धीरे धीरे उठाइए साइड से, कंधों की सीध तक लाते होल्ड करिए, रुकिए यहाँ पर, हाथों को पीछे धका के रखिए, बहुत बड़े कर रहे सभी, हाथों को पूरा खिंचाव देकर रखिए पीछे की ओर, हाथों पर कंधों पर जो खिंचाव तनाव आ रहा है वहां पे ध्यान लगाइए। अब हथेली की दिशा पलटाइए, हाथों को पीछे धका के रखिए, अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठिए और पांव के पंजे एड़ी की जमीन को एड़ी उठाइए ऊपर, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए और दोनों हथेली को रखिए सामने, वेरी गुड, पूरे शरीर को खींच के रखिए, पूरा पोस्चर बनाइए, होल करिए यहाँ पर, ताड़ासन के माध्यम से हमारे शरीर में जो हलचल हो रही है उसे ऑब्जर्व करिए, पूरे शरीर को खींच के रखिए, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करिए, दोनों हाथ को ऊपर इंटरलॉक करिए और खींचिए ऊपर, हाँ दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करने से हमारा शरीर और मैक्सिमम खींच पाया है, होल्ड करिए, रुकिए यहाँ पर, बहुत बढ़िया, पूरा खींच के रखिए। अब यहाँ पे अपने आसन में 102 राउंड चलेंगे, आइए कदम करते हुए आगे बिल्कुल धीरे धीरे, पीछे खिंचाव यही बरकरार रहेगा, पूरे शरीर का वजन पांव के पंजों पर, आगे पीछे आगे पीछे, चलते जाइए आगे पीछे, बहुत बढ़िया, आगे पीछे, दो से तीन चार पांच राउंड हो जाए, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ के हथेली को खोलिए, दोनों हाथ को पूरा फैलाव देते हुए लाइए कंधे की सीध तक, दिशा बदलिए, दोनों पांव की एड़ी और जमीन पर, पांव के पंजे एड़ी जमीन पर, दोनों हाथ पीछे बांधिए, रिलैक्स करिए पूरा शरीर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरे शरीर में ताड़ासन के माध्यम से जो खिंचाव तनाव हुआ है वहां पे ध्यान लगाइए, रिलैक्स करिए। चलिए दोनों पांव में 110 फीट का फासला करिए, पार्श्वकोण आसन करेंगे, पार्श्वकोण, दोनों पांव में 110 फीट का फासला, अब दाहिने वाले पांव को घुटनों से मोड़िए, दाहिने वाले पांव को घुटनों से मोड़िए, दाहिने वाले हाथ की एड़ी को दाहिने वाले हाथ को चाहिए कोहनी घुटना टच करवाइए, वेरी गुड, झुकिए नीचे,
और बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर पूरा फैलाव देते हुए लेके जाइए सिर की तरफ। पूरा ऐसा कर्व बनाइए कि हमारी बॉडी में पूरा ऐसा कर्व बनेगा ऊपर से नीचे। पांव को पूरा खींच के रखिए जिससे हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। ऐसे पूरा खींच के रखिए, दाहिने वाले हाथ और कोहनी सीधे, निगाहें सामने की ओर, होल्ड करें यहां पर। वन, वेरी गुड, टू, थ्री, फोर, फाइव, वेरी गुड, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। धीरे धीरे वापस आइए, वापस रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस पार्श्व कोण के द्वारा हमारे शरीर में जो हलचल हुई है उसे ऑब्जर्व करिए, रिलैक्स करिए, वेरी गुड। प्रॉब्लम कैमरा सेट करो ऊपर, कुछ नहीं आएंगे। हाँ, सेट करिए कैमरा ऊपर करके थोड़ा सा, वेरी गुड। चलिए दूसरे पांव से करेंगे। अब आइए दूसरी तरफ, बाएं वाले पांव घुटनों से मोड़िए, पूरा पोस्चर बनाइए, बाएं वाले पांव घुटनों से मोड़िए, पहले लाइए कोहनी को घुटनों से टच करवाइए इसे। हाँ, अब धीरे धीरे बॉडी को बाएं दाएं हाथ को पूरा सीधे लेके जाइए ऊपर, जाइए पूरा, वेरी गुड। सुदर्शन जी थोड़ा पीछे हो, वेरी गुड, पूरा पोस्चर बनाइए ऊपर, और पीछे हो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा पीछे के करिए, हाँ और पीछे थोड़ा बनाइए पूरा पोस्चर, वेरी गुड। बाएं हाथ को पूरा खींच के रखिए, वेरी गुड, और करिए एक बार पूरा बनाइए पार्श्व कोणासन, बहुत बढ़िया, और करिए। रुकिए उषा मैम, हाथों को ऊपर लेके जाओ सिर की तरफ, हाँ सिर की तरफ ऐसे पूरा बनाओ, बहुत अच्छा पोस्चर बना आपका, और करिए। रुकिए यहाँ पर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। फिर धीरे धीरे वापस वापस वापस, बहुत बढ़िया सुदर्शन जी, वेरी गुड, वापस वापस वापस। प्रॉब्लम कैमरा सेट करो, वृक्षासन करना है आप दोनों, करना थोड़ा आगे आगे सेट करिए। हाँ कैमरा हल्का सा ऊपर करिए सभी, वृक्षासन के लिए मन को तैयार करिए, होल्डिंग के साथ करेंगे, 20-20 होल्डिंग के साथ। चलिए वृक्षासन के लिए मन को तैयार करिए, वेरी गुड। कैमरा थोड़ा ऊपर करो, नीचे आ रहा है बहुत। चलिए दाहिने वाले पांव को धीरे धीरे उठाइए ऊपर, वेरी गुड, गंगा जोड़ तक लाइए, वेरी गुड। प्रॉब्लम कैमरा थोड़ा ऊपर करो, हाँ चलिए दाहिने वाले पांव को उठाइए, अब दोनों हाथों को उठाइए साइड से कंधों की सीट तक, हाँ और ऊपर रखने की कोशिश करिए, वेरी गुड, हाँ ये पोजीशन सही है। दोनों हाथों को साइड से उठाइए कंधों की सीट तक, दोनों हाथों की दिशा बदलिए, अब दोनों हाथों को पूरा फैलाव देते हुए ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथों को ऊपर खींच के रखिए, होल्ड करिए, नमस्कार बनाइए ऊपर, पूरा हाथों को खींच के रखिए ऊपर, होल्ड करिए यहाँ पर, रुकिए यहाँ पर, वेरी गुड, रुकिए यहाँ पर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, भाभी को बोलो नमस्कार यहाँ पर, सेवन एट नाइन टेन, वेरी गुड, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, फाइव राउंड और, सिक्सटीन सेवनटीन, बहुत बढ़िया, एटीन दो राउंड और, नाइनटीन रुकिए यहाँ पर, और धीरे धीरे ट्वेंटी, वेरी गुड, वापस दोनों हाथों को लाइए साइड से कंधों की सीट तक, दिशा बदलिए, वापस दंडासन में विश्राम करिए। वृक्षासन के माध्यम से हमारे हाथों पर पूरी बॉडी पर जो खिंचाव तनाव हुआ है वहां पे ध्यान लगाइए, बहुत बढ़िया करा सभी ने। दूसरे पांव से पूरा हाथों को भी खींच के रखना है हमें, और बैलेंसिंग का आसन है, जब तक ध्यान हमारा किसी पे नहीं रहेगा पूरा ऐसे खींच के रखना है हाथों को मैक्सिमम, और ध्यान किसी एक पॉइंट पर, जब हमारा हाथ खींच रहा है पांव को भी पीछे धकाना, ऐसा होल्डिंग करना ऊपर। उषा मैम सामने की तरफ से करना वृक्षासन, हाँ सामने की तरफ से, और आइए पास में, हाँ चलिए थोड़ा पीछे, चलिए बाएं वाले पांव को उठाइए ऊपर, वेरी गुड, दोनों हाथों को साइड से खींचिए, होल्ड करिए, रुकिए पर, वन वेरी गुड, टू
थ्री, बहुत बढ़िया, फोर, फाइव करते जाइए, सिक्स, सेवन, एट करते जाइए, नाइन, बहुत बढ़िया, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, उसे हम करो, थर्टीन, वेरी गुड, करते जाइए, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, करो गोयल मैम, सिक्सटीन, सेवनटीन, करो उषा मैम, क्या हो गया, एटीन, हाँ करो हाथ, नाइनटीन, दोनों हाथ ऊपर बुलाओ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, रुकिए प्रयास करिए, धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को खोलिए और धीरे धीरे वापस रिलैक्स करिए, होल्ड करिए, चलिए आसन का अगले छोर पर सूर्य नमस्कार के लिए मन को तैयार करिए, आसन अगले छोर पर आइए, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा सूर्य नमस्कार के लिए मन और शरीर को तैयार करिए, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा आसन के अगले छोर पर बनाइए प्रणाम आसन, सूर्य नमस्कार की बहुत ही अद्भुत मुद्रा है प्रणाम आसन, आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, हम और हमारा शरीर पूर्व दिशा की ओर खड़े हुए हैं, सूर्य देवता की लालिमा पूरे आकाश पे छा रही है, ऑब्जर्व करिए सूर्य देवता जो शक्तियों का स्वामी है, उस सूर्य देवता से हम दिन भर की याचना करेंगे, श्वास करते प्रश्वास करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम राम मित्राय, पांव आसपास करिए, वेरी गुड भाभी जी आपकी पांव आसपास करिए, श्वास भर के प्रश्वास करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम राम मित्राय नमः, लीजिए लंबी गहरी श्वास, ओम नमः, अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, दबाव देते हुए दोनों हाथों को नीचे लाइए, पीले अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, कानों से लगाइए हाथों को खींचिए ऊपर, पहले हाथों को ऊपर खींचिए और श्वास भरिए, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को झुकाइए पीछे की ओर, जाइए पीछे की ओर, शरीर में जो खिंचाव तनाव आ रहा है वहां पर ध्यान लगाइए, गले की थायराइड पैराटाइड ग्रंथि पर खिंचाव, रीढ़ के अंतिम सिरे में जो हल्का हल्का कोलाई और दर्द हो रहा है महसूस करिए, सूर्य नमस्कार की बहुत ही अद्भुत मुद्रा है हस्तोत्तानासन, बहुत बढ़िया, जाइए पीछे मैक्सिमम, श्वास भर के प्रश्वास करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम रीम रवे नमः, सभी मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर शरीर सीधा करिए, हाथों को कानों से लगाइए, श्वास भर के प्रश्वास करते अपर बॉडी को झुका दे नीचे, झुकाइए धीरे धीरे नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे आइए, दोनों हाथ दोनों पांव के पास लगाने की कोशिश करिए, जिनकी उंगलियां पांव से टच हो जाए वो और प्रयास करिए, और देखिए दोनों हाथ दिली जमीन से लगाने का प्रयास करिए, झुकिए नीचे मैक्सिमम, जिनकी हथेली लग जाए वो सिर को लेके जाइए, झुकिए नीचे मैक्सिमम, ऑब्जर्व करिए दोनों हाथों की हथेली लग गई है, वेरी गुड, अब यहाँ पे हम वेरिएशन करते हैं, दोनों हाथों से ऐसी ग्रिप बनाइए पांव के पीछे, पांव के पीछे ग्रिप बनाइए कि विपरीत कोनी पकड़ाई ना है, हाँ, और मस्तक को धीरे धीरे लगाइए, गुलानी जी पूरा बनाओ ग्रिप, हाँ ऐसे ग्रिप बनाइए, पूरा मस्तक लगाइए, मस्तक को लगाइए, घुटनों से ऑब्जर्व करिए, वेरी गुड, फिर दोनों हाथों को दोनों पांव के पास रख दीजिए, तो मंत्र का उच्चारण करेंगे, श्वास भर के मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम रूम सूर्याय नमः, लीजिए लंबी श्वास, और यहाँ पे बैठे बनाइए गठरी आसन, पूरी बैठे बनाइए धीरे धीरे, दोनों हाथ जमीन पर, दोनों पांव के पंजे जमीन पर, अब एड़ी जमीन पर टिकाइए, फिर दोनों हाथ ऐसे से ग्रिप बनाइए, दोनों घुटनों के आपस में मिलाइए, और गर्दन को धीरे धीरे दोनों घुटनों के बीच पूरा गठरी आसन बनाइए, थोड़ा सा पीछे करिए, वेरी गुड, होल्ड करिए, बहुत बढ़िया बनाया पोर्शन, रुकिए सभी, गर्दन को भी लेके जाइए दोनों घुटनों के बीच, बहुत बढ़िया, दोनों हाथों को दोनों पांव के पास,
और दाहिने वाले पांव को घुटनों से मोड़ के बनाइए एक पाद प्रसादासन, एक पाद प्रसादासन, दोनों हाथ जमीन पर, बाएं वाले पांव को पूरा 90 लगे हाथ से सरकाइए सरकाइए और दूसरे पांव बिल्कुल स्ट्रेट, एड़ी को पीछे खींच के रखिए, आगे करवाइए प्रभा मैम, आगे 90 हाँ, बाएं वाले पांव को 90 करवाइए आगे, हाँ इसको आगे लाइए, धीरे धीरे सरकाइए, बनाइए पोस्चर, वेरी गुड, बुला लीजिए, बहुत बढ़िया, गर्दन ऊपर, बहुत बढ़िया, शरीर में जो खिंचाव हो रहा है वहां पे ध्यान लगाइए, निगाहें छत की ओर, श्वास करके प्रश्वास करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम भानवे नमः, लीजिए लंबी गहरी श्वास, ओम फिर भी ऐसे दूसरे वाले पांव को भी पीछे आगे से उठी हुई पीछे से प्लेन पूरा शब्द बनाइए और करिए न कमर ऊपर न ज्यादा नीचे होल्ड करके रखिए पूरे शरीर का वजन दोनों पांव पर है उसके यहाँ पर बहुत बढ़िया होल्ड करिए उसके यहाँ पर वेरी गुड प्रयास करिए कि पूरे शरीर का वजन दोनों हाथ दोनों पांव पर है श्वास भर के प्रश्वास करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम खगाय नमः लीजिए लंबी गहरी श्वास जमीन पर रखिए आराम से दोनों घुटने जमीन पर बॉडी को जब पीछे जाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच लगाइए सीना और गुड्डी पर दोनों कोहनियों को दोनों कोने और छत की ओर वेरी गुड पूरा पोस्चर बनाइए झुकिए अष्टांग प्राणिपद आसन कोहनी का रूप छत की ओर करिए वेरी गुड हमारे शरीर की आकृति स्पिरिट ब्रेकर की तरह हुई है ऑब्जर्व करिए मन की आंखों से काउंट करिए शरीर के आंगन जमीन से लगे हैं दोनों पांव के कुंडे दोनों घुटने दोनों हाथ सीना और हड्डी सूर्य नमस्कार की बहुत ही अद्भुत मुद्रा है अष्टांग प्राणिपात आसन श्वास भर के प्रश्वास करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम रूह पुष्णे नमः लीजिए लंबी गहरी श्वास ओम रह पुष्णे नमः वेरी गुड अब यहीं पे बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करिए आगे की ओर मस्तक जमीन पर लगाइए अब दोनों पांव में 120 फीट का फासला करिए वेरिएशन करते हैं हम पांव के बंधे सुला के रखिए अब दोनों हाथ पे पूरा दबाव देते हुए धीरे धीरे कोहनी से सीधा करते जाइए कोहनी से सीधा करिए गर्दन को और ऊपर लेके जाइए छत देखिए छत से पीछे देखने का प्रयास पूरी बॉडी को पूरा स्ट्रेट करिए होल्ड करिए वेरी गुड रुकने का प्रयास करिए ऑब्जर्व करिए भुजंग आसन सूर्य नमस्कार की बहुत ही अद्भुत मुद्रा है भुजंग आसन होल करिए शरीर में जो खिंचाव तनाव हो रहा है वहां पे ध्यान लगाइए रुकिए यहाँ पर बहुत बढ़िया श्वास करके प्रश्वास करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम पूरा मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम आदित्य नमः लीजिए लंबी गहरी श्वास ओम आदित्य नमः फिर श्वास भर के प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे नीचे आइए दूसरे दो छुट्टी लगाइए नासिका मस्तक दोनों पांव के आसपास करिए और अंदर की ओर लॉक कर लीजिए दोनों पांव के पंजे अंदर की ओर लॉक कर लीजिए पर्वत आसन में जाना है अब धीरे धीरे दोनों हाथ और दोनों पांव के पूरे शरीर को उठाइए पूरे शरीर को उठाइए बनाइए पर्वत आसन और झुकने का प्रयास करिए वेरी गुड एड़ी को पूरा खींच के रखिए पीछे की ओर जैसे जैसे एड़ी हमारे पीछे की ओर जाएगी हमारा मस्तक धीरे धीरे मेट की ओर टच हो रहा है पूरा ऑब्जर्व करिए रुके यहाँ पर और झुकने का प्रयास आदर्श स्थिति में हमारा मस्तक मेट से टच हो जाएगा करिए प्रयास बहुत बढ़िया गुलानी जी करो थोड़ा सा बच्चा वेरी गुड श्वास भर के प्रश्वास करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम हिरण्य गर्भाय नमः लीजिए लंबी गहरी श्वास वेरी गुड
सीधा करिए। अब आसन का रिलेशन यहां से फर्स्ट जाएंगे, आइए एक पाद प्रसार आसन जाने वाले पांव को लाइए आगे। आगे आप 90 करिए, आगे आइए पांव को लाइए 90। वेरी गुड, दाहिने वाले पांव को धीरे धीरे संतान लाइए 90। कोशिश करिए अगर पांव 90 दोनों हाथ जमीन पर गर्दन का रुक्षक की और बहुत बढ़िया पोस्चर बना है। होल्ड करिए, पूरा ऑब्जर्व करिए, शरीर में जो खिंचाव तनाव हो रहा है वहां पे ध्यान लगाइए। रुकिए यहाँ पर, बहुत बढ़िया, निगाह छत की ओर, बहुत बढ़िया। अब दूसरा वाला पांव लाइए आगे की ओर, पादहस्तासन। थोड़ा फास्ट जाएंगे हम यहाँ से, फिर दोनों हाथों को ऊपर, हस्तोत्तानासन। बॉडी में लाइए फ्लेक्सिबिलिटी, फास्ट जाइए, वेरी गुड। दूसरा राउंड आइए, पादहस्तासन सामने से, वेरी गुड। अब बाएं वाले पांव को लेके जाइए पीछे, पाद प्रसारासन। फिर दूसरा पांव पीछे, द्विपाद प्रसारासन। उठने जमीन पर उत्तान प्राणिपाद आसन, बहुत बढ़िया पोस्चर बनाया सभी ने। बॉडी को ट्विस्ट करिए आगे की ओर, आइए भुजंगासन, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उठिए भुजंगे नॉर्मल करिए, बहुत बढ़िया। पूरा पोस्चर बनाइए ऊपर, गर्दन का रुख छत की ओर करिए पूरा, वेरी गुड। होल्ड करिए, फिर आइए पर्वतासन, पर्वतासन, बहुत बढ़िया। आगे वाले पांव को वापस लाइए एक पाद प्रसारासन, दूसरा वाला पांव लाइए पादहस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए मैक्सिमम, हस्तोत्तानासन, जाइए पीछे मैक्सिमम। फिर शरीर सीधा करिए, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाइए, वेरी गुड। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाइए, आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगाते हुए भास्कर सूर्य देवता का नमन करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम रह भास्कराय नमः। लीजिए मेरे स्वास्थ्य नमः। अपने अपने सभी देवी 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 देवता गुरुजन निष्ठजन का नमन करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम सर्वे देवी नमः। लीजिए मेरे स्वास्थ्य ओम सर्वे देवी नमः। अब दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लाइए, पीठ के बल लेट जाइए, सब आसन में विश्राम करिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए, सब आसन के माध्यम से पूरे शरीर को रिलैक्स करिए। पूरा शरीर हमारा रिलैक्स करके जाइए, सूर्य नमस्कार के दो राउंड से हमारे शरीर में जो अत्यधिक एनर्जी आई है उसे ऑब्जर्व करिए। हमारा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त हुआ है, मन शरीर को तैयार करिए द्विपाद उत्तानासन करने के लिए। दोनों पास पास रहिए, दोनों हाथ मन के पास, श्वास भरिए रोकिए और धीरे धीरे दोनों पांव को उठाइए नीचे 4 इंच की दूरी पर, पांव के पंजे खींच कर रखिए, होल्ड करिए। रुकिए यहाँ पर, 5, 1, 2, 3, 4, पूरा खींच कर रखिए पांव के पंजे को, धीरे धीरे वापस रिलैक्स, वापस एक बार और करेंगे, मन में दृढ़ता लाइए, 5 सेकंड विश्राम। फिर दोनों पांव पास पास, दोनों पांव को फिर उठाइए 4 इंच की दूरी पर, ध्यान पेड़ प्रदेश पर, होल्ड करिए ऊपर, पांव के पंजे खींच के रखिए, होल्ड करिए। रुकिए यहाँ पर, 1, 2, पांव के पंजे खींच के, 3, वेरी गुड, 4, 5, होल्ड करिए, धीरे धीरे वापस वापस दोनों पांव को धीरे धीरे वापस लाइए। इसमें पूरा खिंचाव तनाव हमारे पेट पर होता है, पेट की मांसपेशियों पर होता है, पेट की मांसपेशियां जितनी भी उसकी पूरी मसाज होती है, इस क्रिया को ऑब्जर्व करिए। ठीक, इसके बाद करते नौकासन, दोनों हाथ रखिए जंगा जोड़ पर, दोनों हाथ जंगा जोड़ पर रखिए वहीं पर, वेरी गुड।
श्वास भरिए, रोकिए, दोनों हाथ दोनों पांव धीरे धीरे उठाइए, पूरा नौकासन बनाइए, वेरी गुड, दोनों हाथ और दोनों पांव खोल करिए, रुकिए यहाँ पर, टेन तक होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर, घुटनों से पांव सीधे, फोर पांव में स्टेप, पूरे स्टेप, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, फिर धीरे धीरे वापस हाथ और पांव धीरे धीरे वापस लाइए। लोकासन के द्वारा हमने मैक्सिमम कोशिश करी पेट पे पूरे खिंचाव तनाव देने की, राउंड के लिए मन को तैयार करिए, वेरी गुड। एक बार फिर पोस्चर बनाएंगे, गुरानी जी पोस्चर नहीं प्रॉपर, ऐसा कर लीजिए, हाँ इस तरफ से करिए पूरा, हाँ ऐसे पूरा लोकासन दिखना चाहिए, हाँ चलिए, ये सामने से जैसे मेरी मेरी पोजीशन है ऐसे मेरी पोजीशन बनाओ, ऐसे बनना चाहिए पोजीशन, चाहिए कैमरे में से दिखना चाहिए पूरा, हाँ चलिए, उठाइए दोनों हाथ दोनों ऐसे मान, ऐसे पूरा पोस्चर बनाइए, वन टू वेरी गुड, थ्री नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ, हाँ और नीचे, हाँ फाइव करते रहिए, सिक्स ऊपर पाँव को ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर गुलानी ऊपर करो पाँव का, हाँ और ऊपर आराम से, पूरा बैलेंस आराम से बैलेंस बना के, फाइव वेरी गुड, सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, धीरे धीरे वापस इस आसन में विश्राम करिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पेट पर जो खिंचाव तनाव हुआ है वहां पे ध्यान लगाइए, पेट प्रदेश पर जो खिंचाव तनाव आया है वहां पे ध्यान लगाइए, रिलैक्स करिए, मन शरीर को तैयार करिए, पूरा शरीर रिलैक्स करते जाइए, होल्ड करिए, वेरी गुड। चलिए पीठ के बल आइए, एक बार आइए पेट के बल, एक आसन करेंगे अंतिम आसन करेंगे पेट के बल, टाइम ओवर हो रहा है, पेट के बल आइए करेंगे धनुरासन, 20 होल्डिंग के साथ करना है, 10 टाइम में रुकेंगे, फिर 10 टाइम में ढोलासन करना है हमें, पेट के बल आइए, दोनों पांव घुटनों से मोड़िए, दाहिने हाथ से दाएं वाले पांव का पंजा पकड़िए, बाएं वाले हाथ से बाएं वाले पांव का पंजा बनाइए, पूरा पोस्चर पूरा पोस्ट बनाइए, दाहिने वाले हाथ से दाएं वाले पांव का पंजा, बाएं वाले हाथ से बाएं वाले पांव का पंजा, बॉडी को खींचिए ऊपर और गर्दन ऊपर, पांव के पंजे ऊपर, होल्ड करें, रुकिए यहां पर, वन टू थ्री वेरी गुड, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अब डोलासन स्टार्ट करिए, पूरा डोलासन आगे पीछे डोलासन, इलेवन ट्वेल्व करिए उषा मैम, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटी, अब जाइए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक बार और फिर राइट और लेफ्ट, फिर आइए मध्य में रिलैक्स करिए, आनंद आसन में विश्राम, हथेली पे हथेली रखिए, उसके ऊपर मस्तक रिलैक्स करिए, पूरी बॉडी को होल्ड करिए, चलिए बॉडी टर्न करिए, आइए पीट के बल रिलैक्स करिए, और एक बार फिर उठ के बैठ जाइए, दाहिना हाथ दाएं घुटनों पर, बाएं हाथ दाएं घुटनों पर, आज सब आसन हम स्किप कर रहे हैं, दाहिना हाथ दाएं घुटनों पर, बाएं हाथ दाएं घुटनों पर, गर्दन नीचे सीधे, पूरा ध्यान अपने श्वास पर लगाइए, दाएं हाथ दाएं घुटनों पर, बाएं हाथ दाएं घुटनों पर, पूरा शरीर रिलैक्स करते जाइए, आंखें बंद करिए और धीरे धीरे कपाल भाती स्टार्ट करिए, सेंटर पॉइंट अपने क्षमता के हिसाब से कपाल भाती, पेट अंदर बाहर स्टार्ट करिए, 50 काउंटिंग करिए फोर्सफुली, पेट को अंदर में जोम लेते जाइए, पूरा स्ट्रोक लगाइए, बहुत बढ़िया करते जाइए, कपाल भाती कंटिन्यू फोर्सफुली, करते जाइए कपाल भाती, पूरा खिंचाव तनाव हमारा पेट पर हो रहा है, ऑब्जर्व करिए, वेरी गुड,
धीरे धीरे वापस आएंगे। मन शरीर को तैयार करिए। कोरोना काल के जो हम भस्त्रिका की रियाय करते हैं, सुख आसन पर कंटिन्यू बहुत बढ़िया। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। अब दोनों हाथों से कंधों की सीट पर, अब यहां से कोहनी दबाइए। एक्सेल ऊपर से स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स फिर दाना हाथ आए घुटनों पर, बाएं हाथ बाएं घुटनों पर, गर्दन नीचे सीधे, 5 सेकंड का विश्राम करिए। पूरा शरीर रिलैक्स करते जाइए, आंखें बंद करके ऑब्जर्व करिए, वेट के साथ आसन करिए, सिर की चोटी से लेके पांव के पंजों तक, अगर कहीं भी कोई खिंचाव ना हो उसे धीरे धीरे ध्यान लगा के रिलैक्स करिए। महसूस करिए हमारा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त हुआ है। अब यहीं पर दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाइए, अपने हृदय में अपने परम पिता परमेश्वर की छवि को दृश्य करिए। उनके चरण में 3 बार लंबी गहरी श्वास भर के ओम नाथ करेंगे। श्वास भरिए, ओम नाथ को लंबा खड़ा लेके जाइए। फिर श्वास भरिए, ओ एक बार और लंबी गहरी श्वास, ओ मस्तक को प्रभु के चरणों में झुकाइए, मस्तक सीधा, दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आइए। वेरी गुड, दोनों हाथ के दिल का दर्शन करिए, आंखों की फॉर्मिंग करना है। वेरी गुड, दोनों हाथ के तिल का दर्शन करिए। वेरी गुड, फिर पाप करिए, आंखों पे लगाइए। दो से 3 बार करेंगे, एक बार और, फिर हथेली का दर्शन, आंखों की फॉर्मिंग बहुत बढ़िया। एक बार और, फिर आंखों की फॉर्मिंग, फिर दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लाइए, चेहरा को संवारते हुए, गर्दन को संवारिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लाइए हाथों को, 4 से 5 बार ऊपर से नीचे लाना है। हाँ, फिर सीना थपथपाइए, सीना थपथपाइए, ऊपर से नीचे पेट थपथपाइए, बहुत बढ़िया। अब पांव के पंजे थपथपाइए, नीचे से ऊपर घुटना थपथपाइए, वेरी गुड। जंगा पीठ थपथपाइए, वेरी गुड। अब दोनों हाथों को दबाइए आगे पीछे, हाथों को दबाइए आगे पीछे, मस्तक को दबाइए आगे आगे सामने से, गर्दन आएगा पीछे, ऊपर से दबाइए मस्तक को, एक्यूप्रेशर देके पॉइंट, वेरी गुड। अब कानों को खींचिए 3 बार में, नीचे कानों को खींचिए, नीचे नीचे, 1 ऊपर फिर ऊपर फिर बीच में, एक बार और कानों को खींचिए नीचे फिर ऊपर फिर बीच में, कानों का एक्यूप्रेशर बनाएंगे 3 टाइम, स्टार्ट करें, दोनों हाथ से दबाइए, 1 रिलैक्स, एक बार और 1 फिर रिलैक्स, एक बार और रिलैक्स। अब बड़ी वाली उंगली से कानों के पीछे मसाज करिए, कानों के पीछे मसाज, फिर आगे फिर पीछे फिर आगे। अब दोनों हाथ को ताली बजाइए, 1, 2, 1, 2, आवाज आना चाहिए, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, दोनों हाथों को ऐसे
बार और आ एक बार और करिए आ दोनों हाथ नीचे लाइए नमन करी हरिओ महा सभी का निमंत्रण में हो ऐसी योग से जुड़ा है सभी घर परिवार वाले सभी लोग को जोड़िए हरिओम हरिओम धन्यवाद चलिए बहुत धन्यवाद हरिओम सभी को गुलाब जी धन्यवाद हरिओम धन्यवाद आपका हरिओम मेरा हरिओम चलिए धन्यवाद।